नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जानवी और आज इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी इन मल्टीपल पीएसटी फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं सिर्फ एक पीएसटी फाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, यहाँ हमें अपनी इस मल्टीपल पीएसटी फाइल्स या फिर मल्टीपल पीएसटी फाइल के इस एक फोल्डर को पीएसटी फाइल में मर्ज करने के लिए सबसे पहले डाउनलोड करना होगा सिस्टूल्स पीएसटी मर्ज सॉफ्टवेयर को। जी हाँ, इस सॉफ्टवेयर के इस डाउनलोडिंग पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसपे क्लिक करके आप आसानी से इस पेज से वन क्लिक में इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सिस्टूल्स पीएसटी मर्ज सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में इंस्टॉल करने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ अपनी मल्टीपल पीएसटी फाइल्स को ऐड करना है या फिर मल्टीपल पीएसटी फाइल्स के फोल्डर को जिसमें हमने पहले से ही अपनी पीएसटी फाइल को सेव करके रखा है। यहाँ आप फाइल्स एंड फोल्डर्स को रिमूव भी कर सकते हैं रिमूव के बटन पर क्लिक करके। बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शंस में तीन ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले है ज्वाइन। यहाँ ज्वाइन ऑप्शन को आप तब सिलेक्ट करेंगे जब आप मल्टीपल पीएसटी फाइल्स को एक न्यू फोल्डर में मर्ज करना चाहते हैं। बेसिकली न्यू फोल्डर क्रिएट करना है अगर मर्ज्ड पीएसटी फाइल्स का। तो इसके बाद है मर्ज का ऑप्शन, जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं सेम नेम की फाइल्स को मर्ज करने के लिए, लाइक inbox.psd, outbox.psd को एक पीएसटी फाइल में मर्ज करने के लिए। और लास्ट है मर्ज कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन, जिसका इस्तेमाल आप अपनी मल्टीपल पीएसटी फाइल्स में से सिर्फ कॉन्टेक्ट्स को मर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आता है नीचे एडवांस ऑप्शन, जहां आपको मिलता है ये पीएसटी फाइल स्प्लिट का ऑप्शन। यहां चेक करके आप अपनी पीएसटी फाइल को किसी पर्टिकुलर साइज में स्प्लिट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां आपको मिल जाता है रिमूव डुप्लीकेट्स और एक्सक्लूड डिलीटेड आइटम्स का ऑप्शन। इनके इस्तेमाल से आप अपनी वेरियस पीएसटी फाइल्स में से डुप्लीकेट ईमेल्स एंड कॉन्टैक्ट्स रिमूव कर सकते हैं और पीएसटी फाइल में स्टोर्ड डिलीटेड आइटम्स को स्किप कर सकते हैं। और अब हम अपनी मर्ज की गई पीएसटी की इस सिंगल फाइल को सेव करने के लिए यहां लोकेशन सेट करेंगे, देन क्लिक ऑन मर्ज पीएसटी फाइल्स। तो यहाँ अब हमारी मल्टीपल पीएसटी फाइल हो चुकी है मर्ज, जिसे हम अपनी सेव करते वक्त दी गई डेस्टिनेशन पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब इस पीएसटी फाइल को हम आउटलुक में इंपोर्ट करके आसानी से देख सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि अगर आप सिस्टूल्स पीएसटी मर्ज सॉफ्टवेयर की वर्किंग और ज़्यादा डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जिस पे क्लिक कर आप देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी इस पेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वाईफाई गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।